नमस्कार, ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी और मैं अनघा जोग लेकर सुना रही हूँ नागार्जुन जी का उपन्यास रतिनाथ की चाची। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि गांव की ग्राम परिषद की औरतों ने रतिनाथ की चाची को परेशान कर रखा था। इस कारण रतिनाथ की चाची ने रात का खाना तो नहीं खाया लेकिन रतिनाथ को जरूर खिला दिया। अब रतिनाथ की चाची 5-6 दिन के लिए रतिनाथ को अकेला छोड़कर कहीं जाने वाली है। तो चलिए सुनते हैं आगे। रतिनाथ ने चाची से पूछा, और तुम कहाँ रहोगी? उठते हुए कौर को रोककर रतिनाथ ने आंखों से ही सवाल किया। तरकुलवा जाऊंगी, किसी से कहना मत, चाची बोली। उसने फिर कहा, रात को पड़ोस के आंगन में सो जाना, चावल दाल धनिया हल्दी नमक तेल सारा सामान सब कुछ मौजूद है, खुद पकाकर खा लेना। 5-6 रोज की तो बात है, उसके बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। रत्ती खाना खत्म करते करते बोला, मैं भी ना साथ चलूं? नहीं, चाची ने कहा, बात ऐसी आ पड़ी है कि अकेली ही जाऊंगी, यही अच्छा रहेगा। रतिनाथ ने चुप रहकर चाची की बात का औचित्य मंजूर कर लिया। अब वह खाना खा चुका था, हाथ मुंह धो आया। खाकर मुख शुद्धि के तौर पर सुपारी का एक छोटा सा टुकड़ा चबाना उसके अभ्यास में शामिल हो गया था। सुपारी का टुकड़ा चबाते हुए चाची ने आले की ओर इशारा किया और कहा, यहां 8-10 सुपारी रख जाऊंगी, सरोता भी वहीं रहेगा। तब तक दिन काफी उठाया था, रत्ती पाठशाला जा चुका था। चाची अपनी चिंता की धारा को समकूल रखने के लिए तकली लेकर बैठी। खाना वह अब देर से ही खाएगी। बीच घर में बैठकर वह तकली काटने लगी। किर्र किर्र किर्र, मिथिला की कुलीन ब्राह्मणियों के जीवन में इस तकली का बहुत बड़ा स्थान रहा है। कुटीर शिल्प का यह मधुर प्रतीक अब तो उठता ही जा रहा है, फिर भी जनेऊ के लिए तकली के निकले इन बारीक सूतों की आवश्यकता अनिवार्य समझी जाती है। फुर्सत का वक्त स्त्रियां तकली के सहारे बहुत आसानी से काट लेती हैं। 8-10 वर्ष की उम्र से लेकर जीवन पर्यंत तकली का और उनका साथ बना रहता है। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पहले घर घर में तकली चलती थी। तकली के ये सुंदर और महीन सूत मलमल बुनने के काम आते थे, परंतु अब तो यह वस्तु ब्राह्मणों के ही घरों में रह गई है और इन सूक्ष्म और मनोहर सूतों का उपयोग सिर्फ जनेऊ तक सीमित रह गया है। हाँ, तो तकली की मृदु मधुर ध्वनि से एकरस होकर चाची सोचने लगी, इस समय अगर जयनाथ होते तो उन्हें कुछ न कुछ प्रतिकार करना अवश्य पड़ता। यह गरीबी और इतनी असहाय अवस्था, विपदाओं का यह महाजाल, कौन मुझे उबारेगा? कुछ भी हो, मर्द फिर भी मर्द ही है। चाची को एक एक पुरानी बातें याद आने लगी। सुखी माँ बाप, भरा पूरा बचपन, कुलीन परंतु दरिद्र से विवाह, रोगी पति, घुन लगा हुआ दाम्पत्य, लड़का उमानाथ, लड़की प्रतिभामा, वैधव्य, सुदूर दक्षिण भागलपुर में लड़की का बेचा जाना, ऋण से छुटकारा। ओह, उमानाथ जब सुनेगा कि उसकी विधवा माँ गर्भवती हो गई है तो? उमानाथ की उम्र 15 साल की थी। वह जिद्दी, गुस्सैल और पढ़ने में मंद था। प्रतिभा माँ 17 साल की थी। उसे ससुराल गए 3-4 साल होने को आ रहे थे। कुलीनता की दृष्टि से बहुत ही नीच, मूर्ख और 40 साल के एक अधेड़ ब्राह्मण से 700 नगद गिनकर उसकी शादी की गई थी। वह 6 महीने के बाद ही गौना कराकर ले गया और तब से प्रतिभामा फिर शुभंकरपुर की धरती पर पैर नहीं रख पाई। इतने में किसी के पैरों की आहट पाकर चाची का ध्यान भंग हुआ। उसकी बोटी बोटी कांपने लगी। हे भगवान, यह कौन आ रहा है? कल किसी ने कहा था कि थाने में भी इस बात की खबर हो गई है। उसका दिल धड़कने लगा। मुसीबत के इन दिनों में किधर से भी वज्रपात हो सकता है, कैसी भी अनहोनी हो सकती है। चाची को टोला पड़ोस की एक एक औरत दमयंती मालूम दे रही थी। हवा से उड़ा हुआ एक एक दिन का खतरे भरा नजर आ रहा था।
अब आहट बिल्कुल करीब आ गई। चाची ने अपने को और कड़ा कर लिया। कोई भी हो, घबराना नहीं चाहिए। बदनामी तो फैल ही गई है, अब और इससे अधिक क्या होगा। दरोगा फांसी तो देगा नहीं, हाँ पहरा जरूर बढ़ा दे सकता है। सरकार के कानून में गर्भ गिराना नाजायज है, तो क्या सोचकर अंग्रेज बहादुर ने यह कानून बनाया होगा कि कोई भी विधवा भ्रूण हत्या नहीं कर सकती। चाची अब भी उसी रफ्तार से तकली काट रही थी। पूनी पर पूनी खत्म होती गई, मगर सोचने का धागा अपने छोर पर नहीं पहुंचा। चाची के सामने जयनाथ खड़े थे, दाढ़ी बढ़ी हुई, चेहरा खिला हुआ। चाची की उंगली रुक गई, तकली का तकुआ ठिठक गया। कता हुआ सूत तकली में जल्दी जल्दी लपेट कर उसने पूनिया और तकली डाली में रख ली। जयनाथ ने कहा, रहने दो अमानत की माँ, तुम क्यों उठती हो? पैर धोने के लिए लोटा भर पानी घड़े से क्या खुद मैं नहीं ले सकता? पर चाची तब तक पानी ला चुकी थी। वह अपने हाथों से ही जयनाथ के पैर धोने लगी, परंतु जयनाथ नहीं माना, खुद पैर धोने लगा। दातून भी नहीं की होगी, है ना? चाची ने कहा, ठहरो ला देती हूँ। दक्षिण तरफ जो घर था उसमें से वह साहड़ की दातून ले आई और जयनाथ को थमा दी। बोली, कल सुबह यह दातून रत्ती कहीं से लाया था, देखो ना अभी तक हरी है। कपार पर आई एक रूखी लट को बाएं हाथ से ठीक करती हुई चाची फिर बोली, चार अक्षर लिखना तुम्हारे लिए पहाड़ हो गया क्या? कोई खत नहीं, खबर नहीं, बड़े अजीब आदमी हो। जयनाथ ने कोई सफाई नहीं दी, मुस्कुरा भर दिया। गठरी में से उसने अपनी धोती निकाल ली और दातून करते करते स्नान करने चला गया। एक छोटा सा स्टेशन, राजनगर। 11 बजे रात के ट्रेन से चाची और जयनाथ उतरे। स्टेशन से बाहर आकर उन्होंने कोई बैलगाड़ी किराए पर कर लेनी चाहिए। 5 कोस पैदल चलना चाची के बूते से बाहर था। शुभंकरपुर से तारसराय स्टेशन महज कोस भर पड़ता है। उतने में ही चाची को चार जगह बैठना पड़ा था, और यह 5 कोस का लंबा रास्ता बेचारी कैसे तय करती? जयनाथ ने तय कर लिया था कि 5 रुपया भी लेगा तो क्या, बैलगाड़ी बिना किए तरकुलवा नहीं जाएंगे। स्टेशन से बाहर सड़क की ओर 10-12 गाड़ियां थीं जरूर, लेकिन उनमें से एक भी तरकुलवा की नहीं थी। आसपास की थी, पर उनके आरोही सुबह की ट्रेन से आने वाले थे। चाची का मन था कि किसी तरह किरण फूटने से पहले मैके पहुंच जाती। जयनाथ का भी यही विचार था, और ठीक ही था। चाची जिस काम के लिए अपनी माँ के यहाँ जा रही थी उसमें सराहना, खुशी और स्वागत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसके मुंह पर तो कालिख पुती हुई थी। माँ ना जीती होती तो तरकुलवा जाने की अपेक्षा वह यहीं कमला की धार में डूब मरना अधिक पसंद करती। उसे अपनी माँ के सरल, शीतल, दयालु स्वभाव पर बहुत भरोसा था, इसीलिए तो जा रही थी। जयनाथ ने अपनी भाभी को वहीं सड़क पर एक और बैठा दिया और खुद निकले सवारी की तलाश में। उन्हें मालूम था कि 10-12 इक्के भी राजनगर के स्टेशन पर मौजूद रहते हैं, लेकिन आज उनका भी पता नहीं था। कमला का पुर पार कर जब वे आगे बढ़े तो पाकड़ के नीचे एक इक्का दिखाई पड़ा। मचान पर जो आदमी सो रहा था वह जयनाथ के पैर की आहट पाकर जाग गया। पूछने पर मालूम हुआ कि वह तरकुलवा पहुंचा देने को तो तैयार है, मगर 6 रुपया से ढेला भी कम न लेगा। आखिर 5:30 पर सौदा पट गया। इक्के वाले ने कहा, आप स्टेशन चलिए, मैं घोड़ी को जोतकर अभी लाया। उन लोगों के पास सामान के नाम पर कुछ नहीं था। था भी तो क्या, सिर्फ 8 महीने का गर्भ। सही सलामत तरकुलवा तक पहुंचने की ही उन्हें चिंता थी। इक्का आया तो उस पर इक्केवान से कहकर ओहार डलवा दिया गया। इस काम के लिए जयनाथ ने अपनी ही धोती निकालकर दी थी। चाची सवार हुई और जयनाथ चले पैदल। बाजार के बाद सड़क पर रोड़ियां नहीं थीं। बिल्कुल कच्ची और देहाती सड़क हो और उस पर धूल और बालू न रहे तो इक्का मजे से चल निकलता है। जरा सी रात बाकी थी कि वे तरकुलवा पहुंच गए। जयनाथ को चुम्मन झा, मतलब चाची के पिता, उनका घर मालूम था।
इक्के को लिवाए सीधे वहीं पहुंचे। इक्के से उतरकर चाची अपने बाप के आंगन में आ गई। उधर जयनाथ ने इक्के वाले को किराया देकर फौरन रवाना किया। इसके बाद वे खुद भी अंदर गए। स्त्रियां अपने दामाद से हल्का सा पर्दा करती हैं और जयनाथ ठहरे यहाँ के दामाद के छोटे भाई साहब। खैर, अंदर जाकर जयनाथ ने देखा कि पश्चिम वाले घर के औसारे में माँ बेटी दोनों एक दूसरे से गले लगकर सिसक सिसक कर रो रही हैं। रतिनाथ की चाची पर मुसीबतों का जो पहाड़ टूट पड़ा है, क्या उसमें उसकी माँ उसकी मदद करेगी? सुनते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।